दूध के जो दाम अभी दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं, ये बहुत ही एक आम जनता के साथ धोखा है, क्योंकि दूध के दाम बढ़ाना ये हमारी नैतिक आवश्यकता है, रोज़ ज़रूरतमंद ये आवश्यकता है, और इसके लिए इस प्रकार से 3 रुपये एकदम से बढ़ाना बिल्कुल नाजायज़ है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि 3 रुपये का दाम जो बढ़ाया है इसको दिल्ली सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। आप देखिए, एक दिन में कम से कम 300-400 लीटर दूध घर पे चाहिए होता है एक आम परिवार को, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और भी कई चीज़ें हैं, कि गेस्ट भी आते हैं तो चाय, और ये तो एक इंडियन वो है कि जब कोई गेस्ट घर में आता है तो चाय जरूर सर्व की जाती है, तो नेचुरल ऐसे बजट पे इफेक्ट पड़ेगा। और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, प्याज के दाम आज आम आदमी के उससे प्याज गायब हो गया है रसोई से, आम आदमी के आज तो जो हायर क्लास आदमी वो भी प्याज नहीं खा रहा है, कि 200 रुपये किलो प्याज हो गया है, दूध के रेट बढ़ गए, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट मेरे को लगता है फ्लॉप साबित हो रही है, अगर मोदी जी इस पर नहीं एक्शन लेते तो जनता बहुत जल्द मोदी जी को बदल देगी, और बदलना भी मेरे को लगता है अब चाहिए, क्योंकि इस राज्य में महंगाई इतनी बढ़ गई है, चरम सीमा पर हो गई है, जिसका आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है, और आम जनता इस टाइम त्राही त्राही हो रही है। ये तो हमारे जो बजट है उस पर बहुत बड़ी मार है। देखिए, आधा किलो दूध तो लेता नहीं है ना कोई, 2-3 किलो तो दूध लगता है, एक जॉइंट फैमिली होती है उसमें, आप सोचिए 10 रुपये पर डे के हिसाब से। और देखिए, हम लोग सैलरीड क्लास हैं, बिजनेस क्लास तो है नहीं। अब सैलरीड क्लास होने का मतलब क्या है, वंस अ ईयर हमारा इंक्रीमेंट लगता है, एक बार पहले भी इन्होंने दूध बढ़ाया, दूसरी बार बढ़ाया, प्याज पहले से ही जा चुका है हमारे किचन से, क्योंकि प्याज का क्या रोल होता था, हम सब्जी में उसको सब्जी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी 80 रुपये किलो खरीद ली, चलो थोड़ा सा प्याज डाल दो, 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, तो सब्जी बढ़ जाती थी और हम सब घर वाले खुश होकर खा लेते थे। एक मिडिल क्लास लोग के लिए 10 रुपये 15 रुपये पर डे खर्च करना बहुत बड़ी बात है, तो सैलरी तो बढ़ती नहीं।